फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक, और वो भी बिना मावा के, पर आपको टेस्ट ऐसे ही आएगा कि जैसे कि मावे के बने हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम एक कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। और ये इसलिए हम थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे कि हमारे जो मोदक बने वो स्टिकी ना रहे खाने में, और खाने में उनका टेस्ट और दुगना बढ़ जाए। तो हम इनको ज्यादा नहीं करेंगे और बिल्कुल लो मीडियम पे करेंगे। अगर हाई मीडियम पे करेंगे तो ये हमारा मिल्क पाउडर जल जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्का इनको चलाना है। तो 2 मिनट हो गए, सिर्फ हमें इसको 2 मिनट ही रोस्ट करना था अच्छी तरीके से, यानी कि भूनना था। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, हमें ज्यादा नहीं करना है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। तो मैंने वापस से वही पैन ले लिया है। अब उसके अंदर डालेंगे हम 1 कप मिल्क। गैस ऑन थी, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और इसके बाद डाल देंगे हम 2 चम्मच ये देसी घी, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से कि घी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जब तक आपको चलाते रहना है। तो घी हमारा दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके बाद डाल देंगे हम ये इलायची पाउडर, यानी ये एक मैंने छोटी चम्मच लिया है। वो मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ कि इसका फ्लेवर काफी अच्छा आ जाएगा, और जो हम मिल्क पाउडर अब ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर भी आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद डालेंगे केसर वाला दूध, यानी केसर की कुछ पत्तियों के साथ मैंने इसको पहले से ही भिगो के रख दिया था, तो जिससे हमारा कलर और खुशबू काफी अच्छी आए और मोदक ऐसे लगे कि जैसे हमने मार्केट से खरीदे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर कर देंगे मिल्क पाउडर ऐड। तो आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। तो अब इसके अंदर हम कर देंगे ये मिल्क पाउडर ऐड जो हमने भून के रखा हुआ था, और इसको आपको लगातार चलाते रहना है, और जब तक चलाना है कि जब तक ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए, और गैस का फ्लेम ज्यादा हाई ना रखें। ये बहुत जल्दी ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं कि डो हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया। और ये इस तरीके का पैन छोड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पैन छोड़ रहा है। तब मैं गैस बंद करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। अभी इसके अंदर मैंने चीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि अगर हम चीनी मिलाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा और हमारे मोदक नहीं बन पाएंगे। तरीके से इसको प्लेट में निकाल दिया था और ये ठंडा हो चुका है, यानी इसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है। गर्म में हमें चीनी नहीं मिलानी, नहीं तो ये फिर से पिघल जाएगा और फिर इसको मोदक बनाने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर सिर्फ 1.5 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से मीठा खाते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मीठा होता है, एक फीका वाला भी आता है, पर मैंने मीठा वाला मिल्क पाउडर यूज किया है तो इसलिए मैं चीनी कम डाल रही हूँ। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। फिर हम इसको हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे इसके अंदर, कि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बनाएंगे मोदक। तो मोदक बनाने से पहले आप सबसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लें अच्छी तरीके से, यानी घी से करें। तो ये देखिए, मैंने ग्रीस कर लिया है, और फिर ये इस तरीके का ये मोदक स्टैंड लिया है मैंने, छोटा वाला, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्यूट से यानी मोदक बना रही हूँ गणपति बाबा के लिए। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे, और वो भी घी से करेंगे हम अच्छी तरीके से। तो घी से मैंने इनको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब एक एक पिस्ते लेंगे, तो इस तरीके से इसके टॉप में यानी सबसे नीचे हम ऐसे रख देंगे कि जब ये हमारा बन के आए तो ऐसा लगे कि जैसे हमने मार्केट से लिया है, क्योंकि मार्केट में इसी तरीके से लगा देते हैं पिस्ते। आप पिस्ते, काजू या फिर बादाम, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट, आप वो लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये दोनों तरफ लगा दें। तो ये मैं दोनों तरफ लगा दूंगी।
तो ये इस तरीके से मैंने पिस्ते लगा लिए, आप देख सकते हैं। फिर हम इस तरीके से थोड़ा सा एक डो लेंगे, उसकी हम ऐसे बॉल बना लेंगे और हमें दोनों तरफ रखना है। तो इस तरीके से आप दबा के इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर रख दें, यानी दोनों तरफ रखना है। तो मैं दोनों तरफ रखूंगी, जैसे एक इधर और इधर भी, कि शेप बिल्कुल बहुत प्यारी आए और बिल्कुल अच्छे से मोदक हमारे निकल जाएं। तो ये इस तरीके से मैंने ये इसमें भर दिए, यानी कि मोड में, और इसको अब हम कस के प्रेस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा निकला है वो हम निकाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि एक्स्ट्रा इसके अंदर से निकलेगा। ये बहुत छोटे छोटे मोड है, पर आप बनने के बाद देख, तो आप इस तरीके से हल्का हल्का इसको और अपने ये थंब से प्रेस कर दें, और जो ऊपर भी एक्स्ट्रा है वो भी निकाल दें, और फिर इसको बिल्कुल धीरे से ऐसे बीच में से खोल लें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने खूबसूरत आए हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना कि बिल्कुल मार्केट से लिए हुए हैं। और जो ये एक्स्ट्रा है उनको आप हल्का हल्का इस तरीके से दबा दें या निकाल दें। तो ये देखिए, मैं इसी तरीके से ये सारे मोदक निकाल लूंगी। तो ये वाला जो होता है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, बस हल्का सा अगर शेप बिगड़ गई है तो आप उसको प्रॉपर अपने हाथ से शेप दे सकते हैं। और इसी तरीके से मैं ये सारे मोदक निकाल लूंगी। इसी तरीके से हम दोबारा से इसको ग्रीस करेंगे और फिर ऐसे ही मोदक बना लेंगे। तो मैं इसी तरीके से अपने सारे मोदक बना लूंगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बना के दिखाए। तो फ्रेंड्स, हमारे मोदक बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में ये इतने प्यारे और इतने यमी लग रहे हैं, तो खाने में कितने यमी होंगे। तो आप लगाइए गणेश जी को भोग और उनको कीजिए खुश। और अगर आपको मेरे मिल्क पाउडर वाले मोदक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। और आप सभी को और आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी।